الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم जी आज हमारी मुख्तसर तरबियत औलाद और इस्लाम के हवाले से दूसरी फसल शुरू हो रही है। पहली फसल हमारी मुकम्मल हुई। पहली फसल में हमने जो कुछ अर्ज़ किया उसका ख़ुलासा ये है कि शादी प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। अगर किसी की एक दफ़ा, किसी भी मर्द या औरत की एक दफ़ा शादी हो जाए और उसके बाद अल्लाह ना करे अगर तलाक हो जाए, खुला हो जाए या फोतगी हो जाए, तो इन सब सूरतों में आगे शादी करनी चाहिए। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए हुक्म है और वालिदैन, वालिदैन का खुसूसी तौर पर फ़र्ज़ है कि अगर उनके बच्चों में से किसी के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, तलाक हो गई, खुला हो गई या फोतगी हो गई, तो दोनों सूरतों में बेटा हो या बेटी हो, बहन भाई हूँ या करीबी रिश्तेदार हूँ, उसको शादी के लिए मुनासिब तरीके से अच्छे अल्फाज के साथ समझाते हुए, फ़ायदा नुकसान बताते हुए उसको तरगीब देनी चाहिए कि बेटा, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बेटी, आपने शादी करनी है। और ख़वातीन के लिए शादी इस सूरत में कि अगर पहले बच्चे थे, तीन चार बच्चे हों, बेवा हो गई और उस सूरत में अगर वो बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए वो आगे शादी ना करे, तो उस सूरत में इस्लाम कहता है कि ठीक है, इसकी बात काबिल कबूल है, इसको कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिल रहा जो इसके बच्चों को कबूल करे। और अगर ये बच्चों की तरबियत करना चाहती है, बच्चे इसके पास हैं, ये उस सूरत में बच्चे उसके पास हों, बच्चों की वो तरबियत करना चाह रही, उस सूरत में इस्लाम कहता है कि ठीक है। वरना जो हमारा इस्लामिक निज़ाम है उसमें पाकीज़गी तभी होगी जब बेवा, तलाक याफ्ता या खुला लेने वाली ख़वातीन या मर्द या औरत ऐसे किसी हादसे का शिकार हों, उन सब के लिए ये लाजमी है कि वो आगे शादी करें। फिर दूसरी चीज़ हमने अर्ज़ की थी कि शादी के लिए इंतखाब कैसे करना है, तो उसके लिए लंबी चौड़ी बातचीत हुई। बहरहाल उसका ख़ुलासा ये हुआ, प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है जिसका मफहूम यूँ है कि माल की वजह से शादी की जाती है, हसब नसब की वजह से शादी की जाती है, हुस्न जमाल खूबसूरती की वजह से शादी की जाती है। तीन उमूमी तौर पर तीन वजूहात ये होती हैं। और रहमतुल आलमीन, जो अल्लाह सुबहाना ताला के बाद हमारे लिए अगर कोई फ़िक्रमंद है, कोई हमारे पर मेहरबान है, कोई हमारे लिए शफीक है, कोई हमारा दर्द रखने वाला है, हमारे माँ बाप से बढ़कर वो प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हैं। उन्होंने हमें ये समझाया जो 24 घंटे के हमारे इमाम भी हैं, हमारे लिए आइडियल हैं, उस्वा हैं, नमूना हैं,
हमारा हर अमल उनके तरीकाकार के ऊपर उसको तोला जाता है। अगर हमारा हर अमल उनके तरीकाकार के मुताबिक होगा तो हमारी निजात होगी। तो उन्होंने हमें यह समझाया, हमारे माँ बाप से ज़्यादा वो हमारे पर शफीक व मेहरबान हैं। कुरान अज़ीम शान में अल्लाह ने फरमाया उनके बारे में, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, ईमान वालों के बारे में वो बहुत ज़्यादा तमा रखते हैं, लालच रखते हैं, और कैसे हैं, रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह सुबहानहु ताला ने अपनी सिफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान फरमाई, रऊफ़ुर रहीम, ये बहुत ईमान वालों के लिए बहुत मेहरबान हैं, बहुत ज़्यादा शफीक है, रहम करने वाले। तो इतनी मेहरबान, शफीक और रहम करने वाली हस्ती ने हमें ये हुक्म दिया कि माल की वजह से शादी ना करना, शक्ल व सूरत की वजह से शादी ना करना, हसब नसब की वजह से शादी ना करना, बल्कि दीनदारी की वजह से शादी करनी है। ये बड़ी ज़रूरी पॉइंट है, ये हमारे पिछले पहली फसल में गुजर गया तो उसका खुलासा अर्ज़ करना ज़रूरी था कि जो नए लोग आज की क्लास में आए हैं उनको ये बात समझ आ जाए कि हमने शादी, मर्द हो या औरत, औरत की बच्ची की शादी हो रही है, हमारी बहन की शादी हो रही है, हमारी बेटी की शादी हो रही है, हमारी करीबी किसी अजीज़ा की शादी हो रही है, इसी तरह हमारे बेटे की, हमारे भाई की, हमारे करीबी किसी अजीज़ की शादी हो रही है, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि उसको ये बात समझाएं अच्छे तरीके से, जलील करके लोगों के सामने नहीं, अकेले में, कि आप दीन वाले को तरजीह दें, दीन को तरजीह दें। ऐसे इंसान जिसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, वो दीन को फॉलो करने वाला, वो तकवा और सुन्नत के रास्ते पे चलने वाला हो, वो अखलाक के रास्ते पे चलने वाला हो, वो अल्लाह वालों के साथ उठने बैठने वाला हो। तो जब भी लड़के लड़की की शादी की निकाह की बात आएगी तो हमने ऐसे शख्स का इंतखाब करना है। तो जब लड़का लड़की इस तरह के होंगे तो जब उनकी शादी होगी, अब आगे औलाद की तरबियत की बात चल रही है, तो जब शादी दोनों तरफ से दीन को सामने रख कर शादी की कोशिश की जाएगी तो यकीनी बात है कि इस अमल में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लड़की वालों ने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, दीन वाले लड़के को पसंद करके शादी की, और लड़के वालों ने भी कोशिश की कि दीन वाली लड़की हो, और उसके बाद अगर तलाक हो जाती तो फिर क्या, इसका क्या मतलब हुआ? उसके बाद खुला हो गई या उसके बाद कोई एक फोत हो गया, तो भाई ये दुनिया है, ये आजमाइश की जगह है। अब हम कामयाब हैं, तलाक की सूरत में भी कामयाब हैं, खुला की सूरत में भी कामयाब हैं, फोतगी की सूरत में भी कामयाब है। क्यों? कि हमने प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान और जो उनका लाया हुआ दीन का प्रोसीजर, हमने इसको फॉलो किया। तो जब हम दीन के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उसके बाद अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है, उसको बोलते हैं आजमाइश। आजमाइश बरहक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी ज्यादा आजमाइशें आई, हजरत सहाबियात रिजवानुल्लाह अलैहिन अजमाइन पर इतनी बड़ी आजमाइशें आई, अल्लाह के नेक बंदों पर कसरत के साथ आजमाइशें आती, इस तरह आजमाइशें आती जैसे ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा हो। तो एक ईमान वाले को सही प्रोसीजर, सुन्नत वाला अमल इख्तियार करने के बाद अगर कोई ऊंच नीच हो रही है, तकलीफ वाली बात हो रही है, उसको आजमाइश, अपनी तरफ से इस्तिगफार करे और अल्लाह से फिर भी खैर की उम्मीद रखे कि आगे बेहतर कुछ होगा। मैंने इस पर कई सारे वाक़यात आप लोगों को पीछे सुना दिए हैं, आप पिछले, जिन लोगों ने पिछले दुरूस नहीं सुने वो सुन लें कि इन्हें बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। कि ऐसा ज़िंदगी में कई दफ़ा तजर्बा हुआ कि एक निकाह नाकाम हुआ, दूसरा निकाह नाकाम हुआ, तीसरे में खैर हो गई, तीसरा निकाह नाकाम हुआ, चौथे में अल्लाह ने खैर डाल दी। तो बरहाल हम इस बात के मुकल्लफ हैं, हमारे सामने हमारा दीन इस्लाम आके खड़ा होता है, वो कहता है कि ये प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो करो, तो हमने उस प्रोसीजर को फॉलो करना, ये बड़ी ज़रूरी बात है। अच्छा, जब हमने प्रोसीजर को फॉलो किया और लड़के लड़की का निकाह हो गया, निकाह से मामला शुरू होते हैं, औलाद के मामला निकाह से शुरू होंगे, निकाह से पहले लड़के लड़की के इंतखाब से शुरू होगा। जब अच्छा लड़के लड़की का इंतखाब हुआ, दीन को सामने रखकर इंतखाब किया, तो फिर हमने अब निकाह की तरफ आना है।